फेवरेट टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसके एटम्स की तादाद हाफ हो जाती है, यानी कि अगर वो पहले एक्स है तो अब जो है उसके एलिमेंट जो उस एलिमेंट है यानी कि एक्स उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हाफ रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि टाइम टी के दौरान अगर किसी के पास जो है उस एलिमेंट यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास 100% एटम्स हैं तो टाइम जब 2T हो जाएगा यानी कि उसकी हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो उसके बाद उसके एटम्स हैं वो 50 रह जाएंगे। इसी तरीके से जब मजीद हाफ लाइफ होगी तो यानी कि 3T तो उसके बाद उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो कम होती जाएगी, 12.5 रह जाएगी। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता चला जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस जिसके दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तादाद उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स की तादाद हाफ रह जाए उसे आप कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल कि होता क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी में बात की थी ट्रांसमिटेशन की, उसी चीज़ को आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे। होता ये कि अगर हमारे पास कोई है रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक मास हो गया और ये एटॉमिक नंबर हो गया। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना ये हमेशा जो है रेस इमिट करते रहते हैं, तो रेस इमिट करने के बाद ये किसी ना किसी न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे हमने कहा था ये ट्रांसमिटेशन है। अब ये जो प्रोसेस है ना ये कंटिन्यूस रहता है, ये रुकता नहीं है और खुद ब खुद होता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक एक्स आपके पास एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसने क्या किया इसने अल्फा रे इमिट कर दी, तो अल्फा रे इमिट करने के बाद अब क्या होता है कि किसी न्यू एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास के अंदर भी 4 गुना कमी हो जाएगी और इसके एटॉमिक नंबर के अंदर भी 2 गुना कमी हो जाएगी। तो इस तरह की कमी से यहाँ पर जो एक न्यू एलिमेंट बनेगा वाई वो एज़ कम्पेयर टू इस एक्स से कम एटॉमिक नंबर और कम एटॉमिक मास रखता होगा, तो ये एक न्यू अभी जो न्यू एलिमेंट बना है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें नाम देते हैं। हम कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास दोनों ही ज़्यादा हैं जिससे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, इसे हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है क्योंकि इसने अल्फा रे इमिट करके एक न्यू एलिमेंट बनाया है, और इस न्यू एलिमेंट को हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास डॉटर एलिमेंट है। डॉटर एलिमेंट इसलिए क्योंकि अब इसके जो मास और एटॉमिक नंबर है दोनों ही इसके पेरेंट एलिमेंट से कम होते हैं। अब अगर मैं इसकी जगह यही एग्जांपल कंसीडर करूं कि अभी अल्फा पार्टिकल इमिट किया था ना, तो इसलिए ये डॉटर एलिमेंट इस तरह के डॉटर एलिमेंट में चले गए जिसके एटॉमिक नंबर और मास दोनों में ही चेंज आ गया। लेकिन अगर यही वाला एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक नंबर ए और एटॉमिक मास जो है वो जी है, एटॉमिक मास जो है वो ए है और एटॉमिक नंबर जो है वो जी है, अगर ये बीटा पार्टिकल इमिट करे, तो बीटा पार्टिकल जब ये इमिट करेगा तो क्या होता है कि बीटा पार्टिकल की इमिशन के बाद जो न्यू डॉटर एलिमेंट बनता है उस डॉटर एलिमेंट के एटॉमिक मास के अंदर तो कोई वेरिएशन नहीं आती, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पर जो है वो एक यूनिट बढ़ जाता है, यानी कि एटॉमिक नंबर के अंदर वेरिएशन आ जाती है लेकिन एटॉमिक मास के अंदर वेरिएशन नहीं आती। जब ये जो न्यू एलिमेंट बनते रहते हैं ये अपने पेरेंट एलिमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अब ये जो हमारे पास बना है एलिमेंट उसमें एटॉमिक नंबर में तो असूली तौर पे आपको होना चाहिए था कि कमी होनी चाहिए थी, बल्कि यहाँ पे तो अब मैंने लिखा है कि उसमें जो है एडिशन हो रहा है उसके एटॉमिक नंबर में। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो न्यू बनने वाला एटॉमिक नंबर है ना उसके मास तो वही रहता है जो पेरेंट एलिमेंट का मास था, लेकिन एटॉमिक नंबर में वेरिएशन इसलिए आ जाती है कि हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियॉन्स हैं। जब एक न्यूट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल इमिट करता है ना तो वो न्यूट्रॉन क्या होता है कि वो प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू जो प्रोडक्शन होती है उसका जो चार्ज है वो एक यूनिट बढ़ जाता है। अगर अब आप इसको एक ग्राफ के तौर पे भी देखना चाहें कि किस तरीके से जो है किसी एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं अगर उसकी नंबर ऑफ जो है लाइफ टाइम जो है वो डिक्रीज होती चली जाए, यानी कि पहले टाइम टी हो फिर जो है उसका भी लाइफ टाइम का हाफ रह जाए फिर उसका भी हाफ रह जाए, तो उस तरीके से ग्राफ किस तरीके से हमारे पास जो है ऑब्टेन होता है। ये हमारे पास एन जो एन ओ जो है उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम की तादाद है, और ये जो टाइम है नीचे वाली एक्स एक्सिस ये हमारे पास बेसिकली लाइफ टाइम है। अब लाइफ टाइम में सबसे पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास 0 आ गया, फिर टी जो है T/2 आ गया, इसके बाद यहाँ इसे आप यूँ कर लीजिए कि ये 1/2 लाइफ है जो कि 1/2 होगी, इसके बाद जो है 2/2 लाइफ आ जाएगी जो कि 1/2 होगी, इसका भी हाफ हो जाएगी, फिर थर्ड लाइफ टाइम आ जाएगा जो कि उसका हाफ लाइफ है वो 1/2 हो जाएगा, इसी तरीके से 4th टाइम जो कि 1/2 उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हाफ लाइफ को तो हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस पे,
और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस में आ जाती है, जो है हमारे पास उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि उस एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तकरीबन 16 है। अब इसके जो एटम हैं, जबकि बिल्कुल इनिशियल था, कोई भी लाइफ टाइम स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसके जो उस वक्त एलिमेंट थे वो तकरीबन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16 सपोज कर लीजिए। जैसे ही उसकी हाफ लाइफ टाइम शुरू हुई, यानी कि टी बाय उसका जो है 1/2 हो गया, फर्स्ट हाफ लाइफ आई, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान उसके जो एटम्स हैं यहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल कह लीजिए कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे वो हाफ रह गए। तो जब वो हाफ रह गए तो इसका मतलब है 16 का हाफ तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 8, क्योंकि मैंने यही बात की थी ना कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट के वो हाफ रह जाए, वो कहलाता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को हम T 1/2 जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचे हैं, उस एलिमेंट के एटम, वो हैं 8। अब जब दूसरी हाफ लाइफ आ जाएगी तब जाहिर सी बात है उसमें जो है आ जाएंगे तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएंगे। अब 4 के बाद क्या आता जाएगा, 4 से भी नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते 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 मैक्सिमम यहाँ पे जाके तकरीबन हमारे पास रह जाएंगे 2। इस हाफ लाइफ में आके हमारे पास 2 रह जाएंगे और इसमें बिल्कुल ही 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे आके बिल्कुल ही हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। 16 था, 16 का हमने 2 पे किया तो हमारे पास आ गया 8, 8 को 2 पे किया हमारे पास 4 आ गया, 4 को 2 पे किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब 2 को 2 पे करेंगे तो जो लास्ट में बचेगा वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हाफ लाइफ का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होता है। इस तरीके से इसके जो नंबर्स हैं वो जैसे जैसे हाफ लाइफ आपकी बढ़ती चली जाती है, उतने ही उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं डिक्रीज करते चले जाते हैं। तो इनमें इस तरीके से डिक्रीज पैटर्न आ जाता है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि जो आपके नंबर ऑफ एटम हैं वो इस तरीके से डिक्रीज होते हैं जैसे आपके नंबर ऑफ जो है वो लाइफ टाइम इंक्रीज करती चली जाती है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हाफ लाइफ बनाते जाएँ, हाफ लाइफ बनाते जाएँ, हर चीज़ की आप जो है उस एलिमेंट की हाफ लाइफ इंक्रीज करते जाएंगे तो उतना ही उसका नंबर ऑफ एटम्स जो है उस एलिमेंट के वो डिक्रीज करते चले जाएंगे। यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि दोनों में जो है वो इन्वर्सली रिलेशन आ जाता है हाफ लाइफ एलिमेंट की और उसके नंबर ऑफ एटम के दरमियान। जो हमारे पास हाफ लाइफ आ जाती है जिसके बारे में मैंने भी बात की कि जो हमारी हाफ लाइफ है T 1/2, ये बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जाहिर सी बात है उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं और ये हाफ लाइफ इंक्रीज होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो इन्वर्सली रिलेटेड हुए। आप किसी दूसरे सेंस में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है डिके कॉन्स्टेंट के। बेसिकली तो वो टूटते ही जा रहे हैं ना, चेंजिंग पे चेंजिंग होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है डिके उसमें आ रहा है, तो डिके कॉन्स्टेंट की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जिसे आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो इज इक्वल टू 0.693 बाय गामा के जो है लैम्डा के इक्वल आ जाता है आपके पास हाफ लाइफ। और इस चीज़ को जो है अभी हम बाकायदा प्रूव करके देखेंगे कि ये इसके इक्वल कैसे आ जाता है। अब सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं ना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, वो जो है ई टाइम्स माइनस लैम्डा इंटू टी टाइम्स जो है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो किसी भी इंस्टेंट, किसी भी टाइम, किसी भी सेकंड के अंदर आप ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसमें अब कितने जो है एटम्स बाकी रिमेनिंग रह गए हैं। तो उसे आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि आप ये कॉन्स्टेंट उसके साथ लगाएं और जितने उसके ओरिजिनल थे ना उन ओरिजिनल एटम्स को मल्टीप्लाई कर दें और ये टाइम टी होगा जिस सेकंड, जिस इंस्टेंट के दौरान आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस एलिमेंट की जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी इस टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के अंदर कितनी डिके उसमें हुआ है, कितने उसके एलिमेंट के एटम जो हैं डिक्रीज हुए हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी दौरानिया में ये मालूम करना हो कि कितने नंबर ऑफ एटम आपके अब रह गए उस एलिमेंट के दौरान, तो अगर आप जो है हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ एटम है उसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास पता चल जाएगा कि भाई पहली हाफ लाइफ के दौरान उसके जो एटम बचे हैं उस एलिमेंट के वो तकरीबन उसकी ओरिजिनल अमाउंट के हाफ होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। अब हम बात कर रहे थे इसको प्रूफ करने की। इसको प्रूफ करने के लिए हमें यही दो चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी कि अगर मैं ये, चूँकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो मैं उसके अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकती हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड को इक्वल करूँगी तो एक साइड पे मेरे पास NO डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा और जो दूसरी साइड है उसमें मेरे पास ई माइनस लैम्डा इंटू टी इंटू NO आ जाता है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से अरेंज करूँ कि यहाँ पे मैं जो है NO डिवाइडेड बाई 2 लिखूँ और यहाँ पे भी NO रहने दूँ और इसके जो नीचे है, बल्कि यहाँ पे इसको जो है मैं इरेज कर दूँ,
अब उसके बाद अगर मैं ये करूँ कि ये एन ओ है ना और ये ई के ऊपर है माइनस लैम्डा एन टाइम्स टी है, तो क्यों ना मैं इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाऊँ, इसको मैं डिनोमिनेटर के अंदर लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ई लैम्डा इंटू टेन जो है उसके साथ ई की पावर लैम्डा इंटू टी आ जाएगा। अब इस टी को जो है आप टी वन बाई टू भी लिख सकते हैं अगर आप सिर्फ पहली हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जो पहली हाफ लाइफ की मैं बात कर रही हूँ यानी कि अगर मैं साथ वन भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वन टी इंटू वन बाई टू जो है उसकी जो हाफ लाइफ आ जाती है। तो यहाँ पे मैं उसको अगर लिखूँ तो एन ओ डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू एन ओ डिवाइडेड बाई ई लैम्डास के साथ पहली हाफ लाइफ टी वन बाई टू आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों साइड पे एन ओ मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, यहाँ पे मेरे पास वन बाई टू और यहाँ पर भी मेरे पास ई लैम्डा उसके साथ टी वन बाई टू जो है रिमेनिंग रह जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लूँ, क्योंकि मैं जो काम एक साइड पे करूँगी क्वीन के वही काम दूसरी साइड पे करना पड़ेगा, तो अगर रेसिप्रोकल लूँ तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे ई लैम्डा टी वन बाई टू आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों साइड पे लोगारिथम लूँ तो यहाँ पे मेरे पास एल एन टू आ जाएगा और यहाँ पे जब मैं लूँगी तो ये मेरे पास एल एन ई लैम्डा टी वन बाई टू आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। एल एन टू की जो वैल्यू होगी है वो हमारे पास 0.693 है और यहाँ पे क्या होता है कि हमें मालूम है कि लॉगरिथम के रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास पार है ये एल एन से स्टार्ट में आ जाएगी, एल एन से पहले। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लैम्डा टी वन बाई टू एल एन ई आ जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि जो एल एन ई है इसको वन के इक्वल कहते हैं, इसकी जो आ जाती है वैल्यू वो वन आ जाएगी और यहाँ पे लैम्डा टी वन बाई टू और यहाँ पे 0.693। तो हमने यही तो बात की थी कि अगर जो हमारी हाफ लाइफ टाइम होती है वो टी वन बाई टू जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है डीके कॉन्स्टेंट के। तो अगर मैं लैम्डा को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दूँ तो ये 0.693 बाय लैम्डा आ जाता है, जो कि इस चीज़ को प्रूव कर देता है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। तो ये इजीली छोटा सा प्रूफ है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी हाफ लाइफ आपके डीके कॉन्स्टेंट के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इसके बाद अगर हम मज़ीद डीके कॉन्स्टेंट की ही बात करें, मतलब कि अगर आप ये कहें कि आपको अल्फ़ा डीके के बारे में बात करनी है, तो अल्फ़ा डीके में जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ट्रांसम्यूटेशन की बात की थी, अल्फ़ा डीके में क्या होता है कि अगर आप यूरेनियम का कंसीडर करें तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास जो है 235 है। यूरेनियम जब अल्फ़ा पार्टिकल को एमट करता है यानी कि इसमें से जो है अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो होता क्या है कि आपके पास यहाँ पे थोरियम बन जाता है। थोरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 90 और जो उसका एटॉमिक मास है वो 234 आ जाता है यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ अल्फ़ा पार्टिकल जो कि बेसिकली हीलियम है Hc2 और इसका एटॉमिक मास जो है 4 वो एमिट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी आ जाती है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि यूरेनियम ने अल्फ़ा पार्टिकल को जब एमिट किया है तो उसके बाद वो थोरियम में चेंज हो गया, इस तरीके से इसमें ट्रांसम्यूटेशन हुई है। सिमिलरली अब ये जो आपके पास थोरियम होता है, ये थोरियम क्या करता है कि जब इसमें से बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं, ये बीटा पार्टिकल्स को इमिट करता है, ये हमारे पास 90 और ये जो है 234, इसमें जब बीटा डीके होती है, बेसिकली ये बीटा डीके के एग्जांपल में आ जाएगा, जब ये बीटा डीके करता है तो जब ये बीटा डीके की बारी आती है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास प्रोटेक्टिनियम बन जाता है जो कि पी ए है और इसका एटॉमिक मास जो है वो आपके पास आ जाता है कुछ 234 और एटॉमिक नंबर जो है वो 91 आ जाता है। और इसके साथ ही साथ आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास बीटा पार्टिकल जो कि बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में हाफ लाइफ में बात बताई थी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अंदर एडिशन क्यों हो जाती है, उसकी वजह न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन होता है वो बीटा पार्टिकल को इमिट करने के बाद प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट बनता है उसके एटॉमिक नंबर में एडिशन हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे प्रोटेक्टिनियम बनता है क्योंकि एटॉमिक नंबर में एडिशन हो जाती है। सिमिलरली जब हम लोग रेस को जब इमिट करता है तो जब गामा रेस की बारी आ जाती है या जो गामा रे डीके आ जाता है हमारे पास, तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं फॉस्फोरस के जिसका एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास 31 है। जब ये एमिशन करता है गामा रेस की तो क्या होता है कि हमारे पास फिर यहाँ पे फॉस्फोरस ही बनता है और जो कि 31 एटॉमिक मास और 15 एटॉमिक नंबर रखता है और साथ ही साथ गामा रेस इमिट हो जाती हैं। ये गामा रेस जो है बेसिकली हमारे पास फोटॉन्स होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी कोई नहीं होता और एटॉमिक मास भी नहीं होता, ये मैसलेस जो हैं हमारे पास मैसलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम गामा रेस कहते हैं।
तो ये कुछ था कि किस तरीके से आपके पास ट्रांसम्यूटेशन होती है, किस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में तब्दील होता है, और किस तरीके से आपके पास हाफ लाइफ आती है, और वो जो है एलिमेंट के जो नंबर्स के साथ हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपके डिके कॉन्स्टेंट के साथ आपकी हाफ लाइफ जो है इन्वर्सली रिलेटेड होती है, और जैसे जैसे आपकी हाफ लाइफ बढ़ती चली जाती है तो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम कम होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया कि हाफ लाइफ क्या है और ट्रांसम्यूटेशन क्या चीज़ होती है।